विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी चुनाव की व्यापक तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा जिले के 3 विधानसभा के साथ ही शक्ति विधानसभा के 2 सीटों के कुछ हिस्सों में भी चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने नामांकन दाखिल से लेकर मतदान और मतगणना तक सुरक्षा के खास इंतजाम करने के दावे किए हैं। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसके लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। जांजगीर चांपा जिले की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने जानकारी प्रदान की कि प्रथम स्तर पर नामांकन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इसके साथ ही फील्ड पर MCC के प्रोविजन के तहत टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जांजगीर चांपा जिले में 811 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 50 केंद्रों में वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों में विकलांगों के लिए व्हीलचेयर और रैप की व्यवस्था भी रहेगी। जिले में कुल 811 मतदान केंद्र हैं और मतदान केंद्रों पे 50% मतदान केंद्रों पे हमने वेबकास्टिंग की सुविधा भी की है। इसके अलावा में जो हमारे मतदाता हैं मतदान केंद्र पे उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें आपका शौचालय रहेगा, पानी की व्यवस्था रहेगी, जिनको ज़रूरत है व्हीलचेयर उनके लिए अवेलेबल रहेगा, एक वोटर असिस्टेंट बूथ की भी व्यवस्था की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे सभी मतदाता मतदान केंद्र में आकर के सुगम तरीके से। जांजगीर चांपा कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि मतदान नामांकन केंद्रों के अंदर केवल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। धारा 144 लगने के कारण परिसर में केवल 3 गाड़ियां ही प्रवेश कर सकेंगी। 21 तारीख को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नामांकन यहाँ होना है, जो आंशिक विधानसभाएं 2 है वो सख्ती से होंगे, तो तीनों का नामांकन कलेक्ट्रेट में होना है। कार्यालय कलेक्टर है, ADM कोर्ट है और एक नजूल कोर्ट है, वहाँ पे होना है। उसको लेकर के जो 3-4 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है कि मतदान जो नामांकन कक्ष है उसके अंदर में सिर्फ 5 ही लोग अलाउड हैं, CCTV लगाया गया है, 3 ही गाड़ियाँ, एक जो 144 का एरिया है उसके अंदर में कैंपस के अंदर में 3 ही गाड़ियाँ अलाउड हैं। 21 तारीख को जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है हमारी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन नामांकन की भी व्यवस्था ECI के द्वारा की गई है, तो वो भी अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल रहेगा। विधानसभा को लेकर एक ओर प्रत्याशी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी महकमा चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने में जुटा हुआ है। देखना है कि इस बार चुनावी विजयश्री किसे प्राप्त होती है। जांजगीर से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।